आई वॉन्ट टू टेल यू गाइस कि हम क्यों बार बार लाइक के बारे में बोलते हैं। अगर आप लाइक करते हो तो हमें कोई पैसे पुसे नहीं मिलते, बट उससे ये हो जाता है कि यूट्यूब एल्गोरिदम में आप हमारी वीडियो आने लग जाती है, तो ये होता है। तो इट्स अ गुड मोटिवेशन फॉर अस, एक तो लाइक्स आते हैं प्लस यूट्यूब को पता चलता है ओके आर ऑडियंस इज लाइकिंग दैट वीडियो। अगर आप ऐसे ही चले जाते हो देख के बिना लाइक करे तो ना यूट्यूब को पता नहीं चलता कि वीडियो अच्छी लगी या नहीं, और यूट्यूब को रिकमेंड आगे करनी चाहिए या नहीं। और हमारे 10-12 घंटे लगते हैं एक वीडियो में, आपका लाइक में कितना 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज मिस्टर शर्मा का रोड टेस्ट है, देखते हैं ये पास होता है या नहीं होता। गाइस वैसे तो मैं गाड़ी चलाता हूँ, आज क्या होगा, बट आज भैया चलाया। दीदी दिख रहा है, रिवर्स कर लूं। दीदी गाइस देखो, मैंने तो अपना रोड टेस्ट पहली बार में क्लियर कर लिया था, और प्रेशर डाल दिया। एंड आई वाज अ स्टूडेंट, मेरे को कनाडा आए हुए सिर्फ 4 महीने हुए थे जब मैंने अपना लाइसेंस। इंडिया में कितनी गाड़ी दौड़ाती थी तू? नहीं, बट फिर भी यहाँ पे रूल्स वगैरह डिफरेंट है भाई। मेरे पास खुद की गाड़ी भी नहीं थी तब भी, और 3 दिन लेसन लिए थे मैंने, दैट्स इट। वैसे किरण थैंक्स फॉर प्रेपिंग मी अप, थैंक, दिस इज द बेस्ट प्रेप टॉक एवर, लव इट। यू कैन डू दिस फैक्ट्री, लव इट। ये गाइस अच्छी गाड़ी चला लेता है, बट फिर भी अच्छी गाड़ी चला लेता है। जहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं वहाँ पे हमने प्रैक्टिस नहीं की, हम मेपल रिज जाके टेस्ट दे रहे हैं क्योंकि वहीं पे अवेलेबल था। सरी में अवेलेबल ही नहीं था जनवरी तक, जनवरी तो हमने कहा कि जहाँ पे मिल रही है वहाँ पहुँच जाएंगे हम। एंड व्हेन की सेड कि ये अच्छी गाड़ी चला लेता है, शी मेट इज द बेस्ट ड्राइवर दैट आई नो, दैट्स ट्रू, आई रियली ट्रस्ट हिज ड्राइविंग। तो आप सोच रहे होगा कि मैंने क्या तैयारी करी है। गाइस मैं नहाया हूँ जल्दी और मैंने परफ्यूम लगा लिया, एम्बियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो बंदा या बंदी जब आए तो शी और ही शुड फील नाइस दैट आई एम सेटिंग विद अ हाइजीनिक गाय, ओके ओके, खुशबू गुड गुड, बट वर्साचे का परफ्यूम लगा लिया, दैट पर्सन शुड बी इंप्रेस्ड। ड्राइविंग तो देखो आती जाती रहेगी, हाइजीन इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आई होप इसका क्लियर हो जाए, और अगर नहीं क्लियर हुआ गाइस तो भी कोई बात नहीं, क्लास 5 का रोड टेस्ट है। सो इसके पास इंडिया का लाइसेंस था एंड वो एक्सपीरियंस काउंट हो गया, एंड यू हैव टू गिव अ नॉलेज टेस्ट। ठीक है, नॉलेज टेस्ट में अब बस एक बुकलेट है, फियांशु ने अपनी पूरी वो नॉलेज टेस्ट वाली जर्नी एक्सप्लेन की थी, इज गोना पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे भी लगा देगा वो कहीं, और उसपे सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि नॉलेज टेस्ट कैसे देना है। आफ्टर यू क्लियर योर नॉलेज टेस्ट आपका रोड टेस्ट देना होता है। सो इसने जुलाई में कहीं नॉलेज टेस्ट अपना क्लियर कर लिया था, लेकिन अपॉइंटमेंट ही नहीं मिली थी, जनवरी की अपॉइंटमेंट मिली थी। फिर एक बार मतलब कि हमने ट्राई करा कि भाई कोई कैंसिलेशन आई हो तो हमें मिल जाए, तो हमें वो कैंसिलेशन वाली मिल गई थी अभी, और वो लक अच्छी थी। बट ट्राई हम रोज कर रहे थे, ऑलमोस्ट रात को 3-3 बजे देखते थे कि कोई कैंसिलेशन मिल जाए, क्योंकि सबने हमें यही सजेशन दिए थे, बट नहीं होता। बाकी तो देखो रोड टेस्ट क्लियर होता है या नहीं होता, फियांशु गोना टेल यू गाइस हिज एक्सपीरियंस। बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं यार, लक पे डिपेंड करता है, जो तुम्हारा बंदा है वो कैसा है, कोई अब गाड़ी चला रहे होते हैं कभी कभी तुम्हें सारे अच्छे लोग मिल जाते हैं आसपास वाले, कभी सारे बुरे मिल जाते हैं, तो रोड टेस्ट वाले दिन बुरे मिलते हैं अच्छे मिलते हैं, वो तुम्हारी लक पे डिपेंडेंट है। जो बंदा बैठा जिसे टेस्ट लेना है उसको इंडियंस कितने पसंद है, और मैं यहाँ पे आया हूँ तो ये फैक्टर्स बहुत ऑनेस्टली मैं एड्रेस करूंगा, मतलब ये होते हैं। आप ये नहीं कह सकते नहीं नहीं कोई रेसिस्ट नहीं होता, नहीं भाई मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता, पता लगेगा जाके देखेंगे। कीरत के रोटे से मैंने एक ही टेक अवे लिया था कि तैयार होकर जाया करो, सुंदर लगा करो। और मैं पहले तो नर्वस नहीं था, अब हो गया हूँ मैं। Don't worry, you'll do good. Doing crazy dreaming.
तो जट ने पास कर लिया है टेस्ट, बट अभी मैं कीरत को कॉल करूंगा, उसको प्रैंक करूंगा कि मैं फेल हो गया हूँ और देखते हैं उसका रिएक्शन। तो कीरत को भी झूठ बोलेंगे। तो बेसिकली क्या है कि जैसे शायद रिवर्स पार्किंग में भी दिक्कत आई होगी, ये रीज़न होगा, और वो मेरे को बेसिकली बोल रहे थे कि जब गलती मेरे को लग रहा है मेरी गलती थी नहीं कि पुलिस की गाड़ी ना बीच में से रिवर्स कर रही थी मेन रोड पे। अच्छा। वो पुलिस वाला एरिया था, पुलिस स्टेशन था आसपास। मैं गाड़ी चलाने के लेसन नहीं लेने वाला। नहीं, तुझे लेना पड़ेगा। पकड़ इसको। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो तुम लेसन से ही सीख सकते हो। बट एक बात बता रही, डिसअपॉइंटेड। आई एम डिसअपॉइंटेड, दिस वाज द फर्स्ट टाइम विदाउट एनी लेसंस, सो हो जाता है। मैं प्रोटीन में खा लूं अपनी बैठ के। मैंने इसीलिए तीन लेसन लिए थे। बड़ी गुड न्यूज है, ICBC 50% वाला रिफंड कर देगा जो टेस्ट फीस है, $25 वापस आ जाएंगे। ओ अच्छा। हाँ। कहाँ पे आएंगे वापस? जब रीइंबर्समेंट डालोगे, उसे स्लिप दियो। अच्छा, डाल दियोगे। This is my class 5 license, bitches. क्या? I passed. अरे बड़ा घूम घूम के आए हम, बट बढ़िया रहा सारा कुछ। मैंने गाइस को पहले बता दिया की मैं पास हो चुका हूँ, कीरत का पपलू बनाऊंगा। मेरे को लग ही रहा था कि तू पपलू बनाएगा मुझे, बट फिर मैंने सोचा नहीं यार, नहीं क्यों करेगा तू मेरे साथ ऐसा। और इतना ओरिजिनल साउंड कर रहा था कि नहीं हुआ यार। बाबू एक्टर सब्सक्राइब। तो बेसिकली ये आप लोगों को फंसाएंगे शोल्डर चेक पे। मैंने हर यूट्यूब वीडियो में, मैंने हर जगह यही चेक किया था, शोल्डर चेक। और ऐसे टाइम पे क्या होता है कि तुम कभी कभार सेटिस्फाई कर पाते हो, कभी कभार नहीं सेटिस्फाई कर पाते, क्योंकि बंदा थोड़ी ओवर एक्टिंग की रहा था। मुझे कहा था ओवर एक्टिंग करता रहियो, ऐसे ऐसे देखता रहियो, ऐसे ऐसे देखता रहियो। तो मैंने क्या किया, मैंने हर चीज पे वोकल शुरू कर दिया। उसने कहा लेफ्ट टर्न ले लो, मैं कहा लेफ्ट टर्न, इंडिकेटर डन, शोल्डर चेक डन, टेकिंग लेफ्ट टर्न। पूरे रस्ते मैंने यही किया, मैं कहा तू ये ना बोल दे कि तूने मिस किया एक बार भी। हाय राम सच्ची। मैं कहा शोल्डर चेक डन, टेकिंग राइट, शोल्डर चेक डन, टेकिंग लेफ्ट, ओके स्टॉप साइन, स्टॉप फुली। मैं बन गया पूरा गूगल भाई, मार्केटिंग में लो। ठीक है, क्या हमें नहीं आता कि कैसे बेचते हैं? ठीक है भाई, मेरा लाइसेंस है, तुम ध्यान से चलो। समझ में आई? आंख बंद करके गाड़ी चलाऊंगा मैं, बताओ। नहीं फिर जो इंश्योरेंस महंगी हो जाती है। ठीक है, और बाय द वे गाइस, हमारे $40-$50 पर मंथ इंश्योरेंस में बचने लग जाएंगे अब। यस, आज ही भेज दूंगी, देखो उनको। बहुत मतलब काफी लंबा टेस्ट था, आधे पौने घंटे का टेस्ट हुआ। तो ये बता, तेरे को स्कूल जोन में लेके गए? एक बार क्या हुआ, स्कूल जोन में मैं जा रहा था, मेरी स्पीड थी 36-37 की, मैंने देखा 30, मैंने ब्रेक मार इसको, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 30 कितने बोल दिया तूने। मैं कहा तुझे पता हो ना रूल्स, पता मुझे सारे पता है। स्टॉप साइन पे पूरा रुका। ठीक है, एक पेडेस्ट्रियन चल रहा था कि नहीं चल रहा था, उससे बात की, मैं कहा पेडेस्ट्रियन इज किंग यू नो। अरे भाई, मैंने उसको बोला मेरा टेस्ट पास हुआ, मैंने कहा आई लव यू, मैं तो हक करने लगा था, उसकी बंद की थी थोड़ी सी। ठीक है, मैंने उनकी जॉब की तारीफें की कि काफी टफ है, आपको फेल भी करना पड़ता है, देन आई एम वेरी श्योर दैट पीपल वुड नॉट बी वेरी नाइस टू यू। उनका तो फिर दिल भर गया था, कहते हमें तो इतने कॉल्स आती है पेरेंट्स से, ये करते हमें टेस्ट लेना नहीं आता, जैसे फिर वो फ्रैंक होगी। मैं कहा अब आप आ जाओ, एचआर खेला जाए आपका। कहते पीपल हेट अस बिकॉज वी फेल देम। मैं कहा यू नो व्हाट, एनी व्हाट, मैं कहा इवन इफ यू फेल मी आई विल नॉट हेट यू टुडे। बट नहीं, शी वाज अल्ट्रा नाइस, अल्ट्रा स्वीट, and sweetest person ever, मतलब I am really glad that I met her. और no, she was very sweet actually. I was very like confident about it, क्योंकि मैंने उससे जब तो अंदर वो कर रहा था, lights वगैरह check कर रहा था, तो मैं उससे बाहर थोड़ी देर बातें कर रही थी, तो she was very sweet. तो वहीं से पता चल जाता है बंदा cold vibe दे रहा है या मतलब के happy vibe दे रहा है, तो उसने बहुत अच्छी vibe दी। क्योंकि पता क्या होता है, जब starting में मिले हमने hello किया, तो वहीं से एक positive note पे शुरू हो गया। But I'm so proud of you. You did it for the first time. पता है मैं ऐसे सोच रही थी, मेरे का हाय हाय फैंशू काफी पूरा पूरी जिंदगी भर सुनेगा अब तू मुझसे कि तूने
कि तूने पहली बार में ड्राइविंग टेस्ट नहीं क्लियर किया। एंड गाइस ये जेन्युइनली ऐसे ही करेगी। मैं यही सोचती थी कि देख मैंने पहली बार में क्लियर कर लिया था, तुझसे नहीं हो पाया था। आई एम हैप्पी, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे पता था कर लेगा। मुझे नहीं पता था मैं कर लूंगा। सो एनीवे द की इज यू हैव टू बी लाइक कॉन्फिडेंट। आपको इंस्ट्रक्टर के साथ बातें जरूर करनी चाहिए। आस्क देम अबाउट देम सेल्फ, अपने बारे में बात करो। जैसे तुम गाड़ी में हो। हाँ, इतना नहीं कि बस भाई क्लास टेस्ट देने जा रहे हो, बस पूरा रोड पे फोकस करो। तो ना वहाँ से तुमको वाइब आ जाती है द पर्सन इज नॉट कॉन्फिडेंट। मैं तो हंस हंस के निकला था, हंसी जा रहा हूं मैं। मैंने खुद तेरे को पता, जब मैंने टेस्ट दिया था उस बंदे से मैंने आगे पीछे अपना सारा बता दिया था कि भाई मैं अब इंडिया से आई हूँ, 4 महीने हो या मेरे को कहता ओ योर इंग्लिश इज सो परफेक्ट, डजंट लुक लाइक यू हैव कम लाइक ओनली 4 मंथ्स अगो। तो यहाँ मैं सबको यही एडवाइस देती हूँ कि यार अपने टेस्ट सिर्फ टेस्ट मत दो, टॉक टू द इंस्ट्रक्टर भी। वो शो करता है कि यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर ड्राइविंग, तो ना उनको थोड़ा पता चलता है यार ना आप बात भी कर सकते हो, आप ड्राइव भी कर सकते हो। तो मैंने उनसे पूछा मेरे टेस्ट के बीच में कि मैं कैसा कर रहा हूँ। कहती नहीं मैं बता नहीं सकती क्योंकि अगर क्या बोलते हैं लोग ना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, फिर अगर हम खराब बोलते हैं ठीक है तो और खराब चलाने लग जाते हैं। मैं कहा इमेजिन राइट नाउ यू जस्ट टेल मी यू आर टेरिबल एट ड्राइविंग, और वो भी हंसने लग गए। काफी फन रहा, इट वॉज अ गुड डेट, वन साइडेड डेट थी मेरी तरफ से। तो बंदा रुकना तो चाहिए अगर बन लेना। तो जब बाहर आया तूने ऐसे प्रॉपर ऐसे ड्रामे करेगा, तो ये हुआ वो बता रहे थे मेरी गलती का खा खाती। तो गाइस टोटल खर्चा पहुंच चुका $80 आया रोड टेस्ट का, $50 लगे रोड टेस्ट की और बाकी 31 लगे परमानेंट लाइसेंस लेने के लिए। ओके सो $31 परमानेंट लाइसेंस के लिए लगे। तो गुड न्यूज आज की ये है कि फियांचु क्लास 5 रोड टेस्ट में पहली बार में ही क्लियर हो गया है। अपना ध्यान रखिए सारे, टॉक टू यू गाइस लेटर, मिलते हैं अगले ब्लॉग। बाय बाय, मेक श्योर दैट यू हिट ऑन द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट दैट।